हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन तुर्की मुजफ्फरपुर या जितने भी कॉलेजेज हैं, ओके जितने भी कॉलेजेज हैं उसके बारे में समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है, क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। ओके तो हम लोग आज जानेंगे कि कहाँ किस किस गवर्नमेंट कॉलेज में आपको क्या फैसिलिटी मिलने वाला है, क्या हॉस्टल्स अवेलेबल हैं या नहीं है, ये चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग देखते हैं कि जो अध्यापक शिक्षक महाविद्यालय जो तुर्की मुजफ्फरपुर में, जो वहाँ पे आपको फैसिलिटी में आप देख सकते हैं न्यू हॉस्टल का आपको यहाँ पे अवेलेबल है, आपको यहाँ पे हॉस्टल्स मिल जाएंगे। ओके यहाँ पे सारे सीट हैं, जो 100 सीट हैं तो 100 लोगों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। ओके नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है पटना ट्रेनिंग कॉलेज। ओके पटना ट्रेनिंग कॉलेज में हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपको मेंशन है ओके कि सीट्स अवेलेबल है, 40 सिंगल जो रूम्स हैं 40 सिंगल रूम्स अवेलेबल है। ओके और 10 जो रूम्स है 4 सीटेड रूम्स है, तो यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे अवेलेबल है जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है पटना ट्रेनिंग कॉलेज में। ओके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल है पटना ट्रेनिंग कॉलेज में। नेक्स्ट जो हमारा है पटना जो कॉलेज टीचर एजुकेशन छपरा जो गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे भी आप फैसिलिटी में देख सकते हैं भौतिक संसाधन फैसिलिटीज में आप देख सकते हैं महिला छात्रावास एवं पुरुष छात्रावास भी यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे भी आपको हॉस्टल अवेलेबल है। ओके तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगे हॉस्टल्स। तो आप लोग जहाँ जब भी रजिस्ट्रेशन करें जो भी काउंसलिंग करें तो आप लोग देख के कि आपको क्या करना है, किस तरह से कहाँ पे रहना है। ओके ये सब चीज़ें को देख के आप भरें। जो सीटीई समस्तीपुर है जो गवर्नमेंट कॉलेज है आपको यहाँ पे भी हॉस्टल अवेलेबल है। ओके गवर्नमेंट हॉस्टल ओके ये वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है बट यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है। ओके आप देख सकते हैं मैप में भी यहाँ पे जो सिटी समस्तीपुर यहाँ पे है और यहीं पास में ही बॉयज हॉस्टल गवर्नमेंट बीएड स्कूल आप देख सकते हैं। ओके यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है। ओके नेक्स्ट जो हमारा है टीचर ट्रेनिंग कॉलेज भागलपुर, यहाँ पे आपको जो कॉलेज है इस कॉलेज में आपको हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे वेबसाइट पे कोई कुछ भी चीज़ें मेंशंस नहीं है। ओके तो हमें पता नहीं चल पा रही है कि यहाँ पे कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं है। ओके तो आप लोग अगर जानते हैं इसके बारे में तो आप लोग जरूर कमेंट करें कि यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा है सीटीई गया, ओके जो गवर्नमेंट जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है यहाँ पे भी हॉस्टल अवेलेबल है, हमने यहाँ पे इसे देखा था जब मैंने अवेलेबल है यहाँ पे जो 2014 की जो डिटेल्स थी वहाँ पे मैंने देखा था यहाँ पे सीटीई गया। ओके आप देख सकते हैं यहाँ पे सीटीई गया में यहाँ पे हॉस्टल बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल फिनिशिंग हो रही थी, मीन्स कंप्लीट नहीं हुआ था, 2014 का ये रिपोर्ट है लेकिन ये अब कंप्लीट हो चुका होगा। ओके नेक्स्ट जो हमारा है कॉलेज ऑफ जो सहरसा का है यहाँ पे भी कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, सो हमें ये चीज़ें पता नहीं चल पाई कि यहाँ पे हॉस्टल है या नहीं है। ओके ये सब चीज़ें थी यहाँ पे जितने भी कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं उसके बारे में हमने बात की। ओके आज हम लोग का जो काउंसलिंग होने वाला है आज अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग के जितने भी प्रोसेस होंगे उसे भी डिस्कस करेंगे। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।